तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट एंड फायरबेस के इस सीरीज में। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग बात करेंगे क्या प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं इस सीरीज में। तो मेरा नाम मुकेश, चल शुरू करते हैं। सो हम लोग को यहाँ पे लॉगिन पेज दिख रहा है, यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। लेट से ram@ram.com 123456 लॉगिन। एंड यहाँ पे हम लोग हमारे टू डूज ऐड कर सकते हैं। तो जो राम होगा उसको उसके टू डूज देखेंगे, अगर सपोज करो कोई सुरेश होता है तो उसको उसके टू डूज देखेंगे। ठीक है, ट्रैवल, इसमें दो टू डूज राम ने डाले हुए हैं, ट्रैवल कोड एंड लेट्स से ईट डाल सकता है। यहाँ पे हम लोग स्लीप डाल सकते हैं। ओके, सो ये राम के टू डूज हैं। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ एंड लेट्स से मैं यहाँ पे सुरेश, एक नया यूजर साइन अप करते हैं, suresh@suresh.com पासवर्ड 123456 साइन अप। सो अब सुरेश ने कोई भी टू डू क्रिएट नहीं किया है, तो उसको कुछ भी टू डूस नहीं दिख रहे हैं। सुरेश टू डू ऐड कर सकता है, ट्रैवल एंड लेट्स से मिल्क। ओके, सो इसमें हम लोग डालेंगे ऑथेंटिकेशन। इस प्रोजेक्ट में हम लोग ऑथेंटिकेशन डालेंगे फायरबेस का, एंड देन फायर स्टोर यूज करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। सो ये दो चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, कैसे हम इसको रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। सो फायरबेस फॉर वेब वाले प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बेसिक सीख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग वही फायरबेस के कंसेप्ट को रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, वो इस छोटे प्रोजेक्ट में हम लोग सीख लेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।